मोहित सूरी बॉलीवुड का एक बेहतरीन डायरेक्टर है और मोहित सूरी ने रोमांटिक थ्रिलिंग जेनर का फिल्म ही ज्यादा डायरेक्ट करते हैं। और आज मैं मोहित सूरी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप हैं मोहित सूरी का फैन तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, जहर, अ लव स्टोरी। ये 2005 का मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने और इसमें इमरान हाशमी, शमिता शेट्टी और उदिता गोस्वामी लीड रोल में है। इसमें सिद्धार्थ, सोनिया और अन्य के बीच में प्यार को लेकर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई गई है और इसका आईएमडीबी रेटिंग मिला है 5.4 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 5 करोड़ और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन रहा 11 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर 2, कलयुग। यह 2005 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने और इसमें इमरान हाशमी, सूर्य और दीपाल शाह लीड रोल में है। इसमें कुणाल और रेणुका का मैरिड लाइफ को किसी ने वीडियो करके वेबसाइट पर पब्लिश कर देता है और इसके बाद कुणाल ने रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं और इसका आईएमडीबी रेटिंग मिला है 6.5 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 4 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 11 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 3, वो लम्हे। यह 2006 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने और इसमें शिने आहूजा और कंगना रावनाथ लीड रोल में है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका स्टोरी एक्ट्रेस परवीन बाबी की लाइफ पर बेस्ड है। इसमें उनके सिज़ोफ्रेनिया डिजीज के साथ साथ महेश भट्ट के साथ लव स्टोरी को दिखाई गई है और इसका आईएमडीबी रेटिंग मिला है 6.6 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 7 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 10 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर 4, आवारापन। ये 2007 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने और इसमें इमरान हाशमी, श्रेया शरण लीड रोल में है। इसमें शिवम कैसे अपने बॉस की वाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी लवर के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इस फिल्म को इमरान हाशमी और मोहित सूरी के कैरियर में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म माना जाता है और इसका आईएमडीबी रेटिंग मिला है 7.2 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 18 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 14 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर 5, राज। ये 2009 का सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने और इसमें इमरान हाशमी और कंगना रावनाथ लीड रोल में है। इसमें एक मॉडल कैसे एक पैरानॉर्मल डिजीज को सामना करते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका आईएमडीबी रेटिंग मिला है 5.6 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 18 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 38 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। नंबर 6, क्रूक। ये 2010 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने और इसमें इमरान हाशमी और नेहा शर्मा लीड रोल में है। इसमें 2007 और 2010 में इंडियन स्टूडेंट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में हुआ रेसल अटैक्स को दिखाई गई है और इसका आईएमडीबी रेटिंग मिला है 5 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 20 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 15 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर 7, मर्डर 2। ये 2011 का क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने और इसमें इमरान हाशमी और जैकलिन फर्नांडेज लीड रोल में है। इसमें एक पुलिस ऑफिसर अर्जुन कैस एक ग्रुप ऑफ लड़की की ढूंढने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका आईएमडीबी रेटिंग मिला है 6.2 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 13 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 68 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 8, आशिकी 2। ये 2013 का रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने और इसमें आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर लीड रोल में है। इसमें सिंगिंग सेंसेशन राहुल और आरोही के बीच में लव स्टोरी को दिखाई गई है और इस फिल्म का गाना तुम ही हो काफी फेमस है और ये फिल्म 2013 का वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म्स था और इसका आईएमडीबी रेटिंग मिला है 7 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 18 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 130 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 9, एक विलेन। ये 2014 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख लीड रोल में है। इसमें एक सीरियल किलर आयशा को मर्डर करते हैं और बाद में गैंगस्टर गुरु ने इसका रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं और इसका आईएमडीबी रेटिंग मिला है 6.4 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 39 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 169 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 10, हमारी अधूरी कहानी। ये 2015 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने और इसमें इमरान हाशमी, विद्या बालन और राजकुमार राव लीड रोल में है। इसमें एक सिंगल मदर वसुधा और एक होटल मैनेजर अरफ के बीच में प्यार को दिखाई गई है और इसका आईएमडीबी रेटिंग मिला है 6.7 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 40 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 51 करोड़
और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर 11 हाफ गर्लफ्रेंड। ये 2007 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने और इसमें अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर लीड रोल में है। इसमें दिल्ली कॉलेज का स्टूडेंट मधाव और रिया के बीच में रिलेशनशिप को दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 4.3 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 58 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 86 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर 12 मलंग। ये 2020 का रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने और इसमें आदित्य रॉय कपूर, दिशा पटानी, अनिल कपूर और कुणाल खेमू लीड रोल में है। इसमें एक यंग इंट्रोवर्ट लड़का अद्वैत और एक फ्री स्पिरिटेड लड़की सारा के बीच में प्यार को दिखाई गई है और इसमें आदित्य रॉय कपूर और दिशा पटानी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद की है और इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यू भी मिल रही है और हमें उम्मीद है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर या फ्लॉप होंगे? कमेंट करके बताना। नंबर 13 एक विलेन 2। यह 2020 का अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है मोहित सूरी ने और रिपोर्ट्स का मुताबिक इसमें जॉन अब्राहम, आदित्य रॉय कपूर और दिशा पटानी लीड रोल में है और इसमें काफी थ्रिलिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा और अभी इस फिल्म का स्क्रिप्ट पर काम चल रही है। तो दोस्तों आप एक विलेन 2 के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना और साथ ही साथ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये रहा मोहित सूरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। इन सभी फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सभी बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।